जय हिंद दोस्तों। इंसानों का अतीत से खास लगाव होता है। बीते दौर के खान पान, रहन सहन और संघर्ष को जानने की हम सभी में जिज्ञासा रहती है। यही वजह है कि लोग ऐतिहासिक चीजों को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। खास तौर से ऐतिहासिक हथियारों के लिए वो बड़ी बड़ी रकम चुकाने से भी नहीं चूकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम उन मध्यकालीन हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्हें खरीदने के लिए लोगों ने पानी की तरह पैसा बहा दिया। दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दिखाइए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं यस के नॉलेज यूट्यूब चैनल। नंबर एक, 13वीं शताब्दी का एक कामकुरा कटाना। दोस्तों, कामकुरा कटाना एक जापानी समुराई तलवार है। इनका जापान के इतिहास में सांस्कृतिक महत्व है। ऐसा सिर्फ 125 तलवारें ही बची हुई हैं। 1992 में डॉक्टर वाल्टर एम्स कॉम्प्टन ने अपने कलेक्शन की कई तलवारों को बेचा था। इनमें 13वीं शताब्दी का एक कामकुरा सबसे महंगा बिका था। इसे एक गुमनाम शख्स ने $4,18,000 यानी करीब 3,56,00,000 रुपए में खरीदा था। नंबर दो, एडमिरल लॉर्ड नेल्सन के फ्रांसीसी ऑफिसर तलवार। दोस्तों, एडमिरल होरेसियो नेल्सन एक जाने माने लीडर थे। नेपोलियन वार में उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था। 1805 में ट्राफलगर की लड़ाई के दौरान वो मारे गए। बाद में उनके सामान की नीलामी हुई थी तो इस तलवार के लिए $5,41,720 यानी करीब 4 करोड़ रुपए मिले थे। नंबर तीन, 17वीं सदी की भारतीय तलवार ब्लेड। दोस्तों, इस तलवार की घुमावदार तलवार का इस्तेमाल पैदल और घुड़सवार सैनिक करते थे। साल 2007 में इस तलवार को $7,17,800 यानी करीब 5,32,00,000 रुपए में नीलाम किया गया था। इतिहासकारों की माने तो इस तलवार को इंपीरियल कोर्ट के लिए डिजाइन किया गया था जिसका इस्तेमाल स्वयं सम्राट ने किया था। नंबर चार, क्वियानलॉन्ग इंपीरियल हंटिंग नाइफ। दोस्तों, किंग राजवंश के छठे सम्राट क्वियानलॉन्ग ने 1735 से 1796 तक शासन किया था। उनके इंपीरियल हंटिंग नाइफ में सोने और कई रत्न से काम हुआ था। चाकू का मूड हिरण के सिंह का बना हुआ था, वहीं इसकी खुरपी गैंडे की सिंह से बनी हुई थी। ये चाकू $1.24 मिलियन यानी करीब 9,20,00,000 रुपए में नीलाम किया गया था। नंबर पाँच, यूलिसिस एस ग्रांट की तलवार। दोस्तों, यूलिसिस ए ग्रांट की तलवार संयुक्त राज्य अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट की थी। केटकी के लोगों ने उन्हें ये तलवार अमेरिका की सेनाओं के जनरल इन चीफ बनने पर गिफ्ट की थी। तलवार पर शुद्ध चांदी, सोने और हीरे का काम किया गया था। तलवार की ग्रीप पर विजय की देवी और एक चील पंख फैलाए बनी थी। 2007 की एक नीलामी में इसे $1.6 मिलियन यानी करीब 11,87,00,000 रुपए में बेचा गया था। नंबर छह, द जेम ऑफ द ओरियंट नाइफ। दोस्तों, 1966 में बस्टर वारेंस्की द्वारा डिजाइन किया गया द जेम्स ऑफ द ओरियंट नाइफ को बनाने में 10 साल लगे थे। इसमें 153 पन्ना, 9 हीरे और बहुत सारा सोना जड़ा हुआ था। ये दुनिया में सबसे महंगा बिकने वाला चाकू है। इसे $2.1 मिलियन यानी करीब 15,58,00,000 रुपए में नीलाम किया गया था। नंबर सात, शाहजहां का खंजर। दोस्तों, मुगल शासक शाहजहां ने 1628 और 1658 के बीच शासन किया था। इस खंजर पर शाहजहां का नाम, उनका ओहदा, जन्म की तारीख वगैरह सोना से लिखी हुई थी। इसका खोल भी बेहतरीन कारीगरी का नमूना था। साल 2008 में लंदन में हुई एक नीलामी में इसे $3.3 मिलियन यानी करीब 24,49,00,000 रुपए में बेचा गया था। नंबर आठ, नसरीद काल में 15वीं शताब्दी के ईयर डैगर। दोस्तों, ईयर डैगर उत्तरी अफ्रीका में बना था मगर इसका इस्तेमाल 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। डबल ब्लेड वाले इस डैगर पर शिकार के दृश्य बने हुए थे। 2010 में इस डैगर को $6 मिलियन यानी करीब 44,53,00,000 रुपए में नीलाम किया गया था। नंबर नौ, नेपोलियन बोनापार्ट की सुनहरी तलवार। दोस्तों, माना जाता है कि नेपोलियन के इस तलवार की डिजाइन की प्रेरणा मिस्र से ली गई है। इस तलवार पर सोने के खूबसूरत नक्काशी की गई है। 40 इंच लंबी इस तलवार की धार मुड़ी हुई है। नेपोलियन ने इस तलवार का इस्तेमाल सन 1800 में मोरंगो की लड़ाई में किया था। इसके बाद नेपोलियन ने अपने भाई को यह तलवार शादी के दिन उपहार में दे दी थी, जिसके बाद से यह तलवार पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार की विरासत का हिस्सा रही है। इस तलवार को 1978 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। 2007 में इसे $6.5 मिलियन यानी करीब 48 करोड़
24 लाख रुपए में नीलाम किया गया था। नंबर 10, 18वीं सदी की बाओ टेंग तलवार। दोस्तों, बाओ टेंग तलवार को किंग राजवंश के दौरान शाही घरेलू विभाग की पैलेस कार्यशालाओं में तैयार किया गया था। इसमें स्टील ब्लेड लगा हुआ था जिसे सोने चांदी और तांबे से सजाया गया था। पहली बार इसे 2006 में 5.9 मिलियन डॉलर यानी करीब 43 करोड़ 79 लाख रुपए में बेचा गया था, मगर दो साल बाद 2008 में दोबारा इसे नीलाम किया गया था। तब इस तलवार के लिए 7.7 मिलियन डॉलर यानी करीब 57 करोड़ 15 लाख रुपए मिले थे, जिस वजह से ये अब तक का सबसे महंगा मध्यकालीन हथियार बन गया है। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।